उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के भीषण हमलों की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने हिजबुल्ला से आर पार की लड़ाई के लिए लेबनान पर चढ़ाई को लेकर मंजूरी भी दे दी है। वहीं हिजबुल्ला ने भी दो टूक कह दिया है कि अगर इजरायली फौज लेबनान में घुसी तो वो दोबारा वापस नहीं लौट पाएगी। हालांकि इस सब के बीच इसराइल और हिजबुल्ला के युद्ध की वजह से बड़ी तबाही आ सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसराइल पर इसका कितना असर पड़ेगा ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब इसराइल की पावर कंपनियां खुले तौर पर ये कह रही हैं कि हिजबुल्ला के साथ अगर इसराइल जंग में जाता है तो उसके पावर ग्रिड इस बोझ को सहने के लिए तैयार नहीं है, और अगर इसराइल में 72 घंटे बत्ती गुल रहती है तो इसराइल रहने लायक नहीं बचेगा। दरअसल ये बात इसराइल की बिजली कंपनी नोगा के सीईओ शाउल गोल्डस्टाइन ने कही है। उनका कहना है कि हम असल युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं जो मेरी आंखों में है। इसराइल 72 घंटे बिना बिजली के बाद रहने योग्य नहीं रहेगा। आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, ऑप्टिकल फाइबर, बंदरगाह, और मैं संवेदनशील चीजों में नहीं जाऊंगा। हम अभी अच्छी जगह पर नहीं हैं। अगर नसरल्ला इसराइल के पावर ग्रिड को ठप करने का फैसला करते हैं तो उन्हें केवल फोन उठाकर बेरूत के पावर ग्रिड के प्रमुख को कॉल करना होगा जो इसराइल के समान है। अच्छी बात यह है कि हमने इसराइल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मिलकर सुरक्षा में बहुत निवेश किया है। हालांकि शॉल के इस बयान पर इसराइल में जबरदस्त बवाल मचा है। इसराइल की इसराइल इलेक्ट्रिक कंपनी ने शॉल के बयान की जमकर आलोचना की है। कंपनी का कहना है कि सीईओ ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से परे और डर पैदा करने वाली है। हालांकि नोगा कंपनी ने आधिकारिक रूप से सीईओ शॉल के बयान से खुद को अलग कर लिया है। नोगा कंपनी ने कहा कि वो आपात स्थितियों के लिए इसराइल के बिजली क्षेत्र की तैयारी के संबंध में कंपनी के पेशेवर आकलन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वहीं इसराइल के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि इसराइल का पावर ग्रिड मजबूत और सभी तरह के हालातों से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा था कि युद्ध के हालातों में गैलिली पर आक्रमण अभी भी विचाराधीन है। वहीं इसराइल के सेना प्रमुख ने उत्तरी इसराइल की यात्रा के दौरान हिजबुल्ला को चेतावनी दी थी कि अभी वो इसराइल की सैन्य और खुफिया ताकतों से अनजान है